रेस टीम में नकली नहीं है एक्शन सीन्स, BMW प्रारी हुई है बर्बाद। पावर पैक एक्शन सीन्स और सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर सलमान की फिल्म रेस 3 रिलीज हो गई है। रेस 3 के ट्रेलर में दमदार एक्शन और खतरनाक स्टंट सीन्स देखने को मिले। तभी से चर्चा होने लगी कि क्या ये सीन्स रियल है या ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसका खुलासा अब फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने किया है, जिनका कहना है कि फिल्म के एक्शन सीन्स के लिए रियल गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने रेस 3 में कितनी गाड़ियां उड़ाई हैं, इस पर रेमो ने कहा, रोहित शेट्टी का बजट अच्छा होता था, उनके गानों में गाड़ियां उड़ती थीं। मुझे गाड़ियों और बाइक्स का बहुत शौक है, पैसा कमाया तो खरीद भी लिया। रेस 3 में हमने रियल गाड़ियां उड़ाई हैं, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां उड़ाई हैं, फरारी BMW उड़ाई हैं, कुछ भी VFX नहीं है। रेस 3 के सीन्स को रियल बनाने की एक बड़ी वजह फ्लाइंग जट का फ्लॉप होना भी था। उन्होंने कहा, बजट काफी कम था, गलतियां सबसे होती हैं, सुपर हीरो फिल्म के लिए बजट और समय भी कम था, VFX का काम भी सही नहीं हो पाया था, इसीलिए रेस 3 में हमने बहुत कुछ रियल रखा है। फिल्म के ट्रेलर में नजर आया ये सीन सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, जिसमें सलमान खान हाथों से सामने से आ रही दो गाड़ियों पर मिसाइल फायर करते हैं। दरअसल आमतौर पर फाइट सीन्स में एक्टर हाथ से बंदूक या दूसरी गन चलाते नजर आते हैं, लेकिन बॉलीवुड में ये शायद पहली बार होगा जब कोई एक्टर फाइट सीन में हाथों में मिसाइल गन लेकर हमला कर रहा है। रेस 3 में सलमान बाइक स्टंट स्काई डाइविंग के साथ हाथों से मिसाइल फायर करते नजर आएंगे, ट्रेलर में इसकी झलक देखने को मिली है। रेस 3 का सबसे बड़ा फैक्टर सलमान खान है, जिन्हें देखने के लिए फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है। दर्शकों के बीच सलमान की एक्शन फिल्में ज्यादा पसंद की जाती हैं। उनकी पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड पर गौर किया जाए तो देखने को मिलेगा कि एक्टर की एक्शन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। टाइगर जिंदा है इसका ताजा उदाहरण है।